ॐ शांति शांति शांति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म महद्भ्यो नमो नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्तशिष्यं श्रीशङ्कराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोडकं वार्तिककारमन्यान् अस्माद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानां मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बालरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शाम वेदिया अलोपकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण के उपनिषद का नाम है छांदोग्य उपनिषद। अभी हम लोग छांदोग्य उपनिषद के पहले अध्याय लगभग समाप्त कर दिया। यहाँ पे 13 खंड है। 13 खंड में मुख्य बात है ओम इति एतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासितो। उद्गीत मतलब ये शाम भक्ति की एक भाग है, उद्गान ज्योतिष्टम जाप की एक अंग है। उस उद्गान के एक भाग सप्तभक्तिक शाम है, पांचभक्तिक शाम है, उसमें एक भाग है उद्गीत। इस उद्गीत दृष्टि से ओंकार और उद्गीत का अभिन्नता का चिंतन करना, पहला खंड में ओंकार की कुछ गुण बताया था, रसतम ताप्ति समृद्ध, उसको उनके चिंतन करने के फलस्वरूप यजमान को फल देने में सामर्थ्य बन जाता है, उपासक मत तो उसको उद्गाता ये करने में सामर्थ्य है। इस प्रकार प्राण की शुद्ध इसलिए प्राण दृष्टि उपासना, फिर उसके बाद जो है बयान दृष्टि से और उसमें और गुण आधान किए थे क्या क्या अंगिरस, फिर जब ग्रीष्म आयास कई इसियों का नाम बोलो किए थे, उसको प्राण को उपासना किए थे। उसके बाद आध्यात्मिक आदिदेवी को लेकर के बोले थे जो प्राण है वही आदित्य है, क्योंकि दोनों ईश्वर है मतलब, और एक प्रत्यक्षर भी है मतलब चलता ही रहता है, और प्रत्यक्षर मतलब चल के वापस आता है, मतलब प्राण फिर चल के वापस नहीं आता। इस प्रकार कथन करने के बाद फिर जो है हमारे पास वहाँ पे आया क्या कि जो है अमृत और अभय गुण वाले ओंकार की उपासना, अमृत अभय गुण वाले ओंकार की उपासना, बैठे कोई बात नहीं, अमृत अभय गुण वाले अमृत ओंकार की उपासना बताए, इससे देवता लोग जो है उस भाव को प्राप्त कर गए थे। उसके बाद आदित्य और रश्मि को भिन्न करके कौशल्य का अपने पुत्र को बोला था, तो एक पुत्र के दोष से निराकरण करके अनेक पुत्र प्राप्ति के लिए हुआ। फिर उसके बाद आध्यात्मिक अधिदेविक आदित्य मंडलस्थ पुरुष और अक्षिस्त पुरुष दोनों को उपासना के एक साथ करके उपासना के वर्णन किया। वो सुवर्णमय है, सारा शरीर उसका सुवर्णमय, आप प्रणखात मतलब नाखून के सब कुछ उनका सुवर्णमय, परंतु आँख उसका पुंडरीक के समान लाल है। इस प्रकार कथन करने के बाद जो वो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है और देवताओं की कामनाओं को और सारे ऊपर वाले लोगों की देव भोग्य वस्तु को प्रदान करते हैं, और जो आँख वाला पुरुष है वो जो नीचे वाले लोग की भोग्य वस्तु को प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों एक ही है, ये आध्यात्मिक अधिदेवी को उपासना के एक साथ लेके बताया था।
उसके बाद जो है अष्टम खंड और नवम खंड मिलकर के ये उद्गीतसाम भक्ति किसी के ऊपर आश्रित है इसको लेकर के विचार करने के लिए तीन ऋषि का नाम बोला था, ये तीन ऋषि ने मिलकर वहाँ पे विचार करके निर्णय किया ये सब कुछ का आश्रय परमात्मा ही है। वहाँ पे परमात्मा के लिए शब्द प्रयोग किए थे आकाश, और आकाश में परमात्मा के लिंग दिखाया कि सारा भूतों की सृष्टि उसमें समय लगे। फिर उसके बाद जो है आपका आया था फिर मोटे उसी चाक्रण की कथा, उसी चाक्रण जो कुरुक्षेत्र में दुर्भिक्ष होने के कारण भिक्षा मिलना कठिन हो गया तब यहाँ पे आकर के अभिप्राय है कि पहले आपको उद्गीत उपासना के बारे में बोला था, अब प्रस्ताव और प्रतिहार भक्ति में अनुगत देवता के बारे में यहाँ पे कथन किया। प्रस्ताव भक्ति का अनुगत है प्राण, वहाँ पे प्राण शब्द के द्वारा परमात्मा को कहा गया है ना। प्रस्ताव भक्ति उद्गीत भक्ति में आदित्य और प्रतिहार अन्न, इस प्रकार से एक इसको उपासना के बारे में कथन किया। इसके बाद जो आया होता है इस अन्न प्राप्ति के उपाय के रूप में हिंकार करना, मतलब अहंकार की उपासना वहाँ पे दिखाया था कि जो है ऋषि अपने गांव से बाहर जा करके ना वहाँ पे तपस्या किए, उसकी तपस्या संतुष्ट होकर के देव तत्व ऋषि लोग आए, उनको दर्शन दिए कुत्ते के रूप में, फिर उन लोगों ने मिलकर के उनके किसके नाम है सौभ उद्गीत वहाँ पे अन्न प्राप्ति के निमित्त से किया। इसके बाद अंतिम खंड में आया था स्तोभ अक्षर की उपासना, गान में कुछ ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ नहीं होता परंतु गान की मात्रा को बना के रखने के लिए उसको स्तोभ अक्षर कहते हैं। तो 13 स्तोभ अक्षर के साथ एक उद्गान प्रक्रिया चलता है, तो 13 स्तोभ अक्षर की में एक एक वस्तु को दृष्टि करके उपासना करने का फल स्वरूप क्या होता है उसका वाचिक सौष्ठव गाता है, वाणी उसके लिए अभिष्ट वस्तु को दोहन करके लाते हैं। 13 जो है हमारा वो जो स्तोभ पहले क्या था हाउकार, फिर हाईकार, फिर जो अथकार, फिर इहकार, फिर इकार, इसमें ये लोग वायु चंद्रमा जीव और अग्नि यही पांच अधन का है। उसके बाद आया था उकार एकार औहकार फिर हिंकार स्वर या और बाघ, ये हो गया हमारा 12 इस कुल मिला करके ये हो गया आपका स्तोभ। इसके अंदर दृष्टि के लिए क्या बोला था आदित्य निहव विश्व देवा प्रजाप्रति फिर प्राण फिर अन्न और फिर विराट, ये दृष्टि करके गान करने के लिए बोले थे। अब उसके बाद त्रयोदश स्तोभ के बारे में बोले थे, वह हुंकार इस त्रयोदश स्तोभ के अनिरुक्त अव्यक्त अवस्था को त्रयोदश स्तोभ के रूप में चिंतन करने के, जो उद्गाता इस प्रकार उद्गान करते समय मतलब उद्गीत भक्ति का अनुगत क्या है प्रस्ताव भक्ति जो जो उसका पाठ करते उसको जानते हैं, फिर उसके स्तोभ अक्षर को भी चिंतन करते हैं, उसके लिए पहले भी फल बोल करके आया था, कल इस मंत्र को पढ़ लिए थे हम लोगों ने, इसका जो लास्ट मंत्र है प्रथम अध्याय त्रयोदश खंड की 4th मंत्र है ना, उस मंत्र का एक बार पढ़ लिए थे, आज एक साथ एक पढ़ेंगे फिर इसका करते हैं। दुग्धे अस्मै वाग् दोहम् जो वाचो दोहो अन्नवानन्दादो भवति यायेताम् एव पुंसां नामुपनिषदं वेद उपनिषदं वेद, इति प्रथम अध्यायस्य त्रयोदश खंड। तो बोलते हैं इनके लिए क्या होता है जो इस प्रकार शाम अवयव रूप स्तोभ अक्षर संबंधित जो है उपनिषद है मतलब रहस्यमय उपासना है उसको जो जानते हैं करते हैं उसको क्या फल होता है, उनका वाणी अपने आप अपनों को धोन करके उनको अभिष्ट वस्तु को ला देते हैं, वो अन्नवान भी मतलब भोग वस्तु वाला होते हैं और भोग करने का सामर्थ्य भी रहता है शरीर में, इसका फल खत्म करते हैं। तो देखिए भगवान भाष्यकर लिख रहे हैं यहाँ पे दुग्धे अस्मै वाग्धम इत्यादि उक्तार्थम, पेज 43 में देखिए मतलब 137 मंत्र और पेज 43 उसमें यही मंत्र आया हुआ है मिला, पेज 43 137 मंत्र संख्या 137 दुग्धे अस्मै वाग्धम मिला ना जी सर 42 में 42 में है अन्नवान अन्नादो भवति जो है वेदा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसी को इसलिए भगवान भाष्यकर बोलते हैं इसका व्याख्या हमने पहले कर दिया है ना, इसलिए 137 दुग्ध अस्मै वाग्ध अहम है ना इत्यादि उक्तार्थम, ये जो है ना वाग्दोहम इत्यादि उक्तार्थम, इसका अर्थ को हमने कथन कर दिया अर्थम उक्तम उक्तार्थम, इसलिए दोबारा नहीं बोलते मतलब क्या होता है इसका अर्थ क्या था,
वाणी ही अपने आप अपने को दोहन करके अविष्ट वस्तु को ला देते, और वाणी में सौष्टर्ज भी आता है, स्वर भी अच्छा हो जाता है। फिर बोलते हैं जय एताम एवं यथक्त लक्षणाम, ये जो ऊपर जो जिस प्रकार के लक्षण के द्वारा स्तोव अक्षर के बारे में कथन किया गया, शाम नाम मतलब शामों का मतलब शाम अवयवानाम, यहाँ पे अभिप्राय है ना, शाम के अवयव वृद्ध स्तोव है, शाम गान के अवयव तथा हमारा हिंकार आदि प्रस्ताव आदि वो, और उसके अंदर स्तोव कुछ हमारा मतलब जिसका अर्थ ही कुछ शब्दों को हम बोलते हैं उसको बोलते हैं अभी स्तोव अक्षर विषय उपनिषद, मतलब उसमें क्या क्या दृष्टि का नहीं हो गया उपनिषद रहस्यमय ज्ञान क्या है कि स्तोव में क्या दृष्टि करना है ना, किसी पृथ्वी में पृथ्वी दृष्टि, कितने वायु दृष्टि, कितने चंद्रमा दृष्टि, इस प्रकार से किस जो उपनिषद है यहाँ पे रहस्यमय ज्ञान तो उपनिषद हम वेद जिस प्रकार जानते हैं मतलब उपासना करते हैं तस्य एतद् यथोक्तम फल मुझ पर जो फल कथन करके बाघ दो ये फल उनको प्राप्त होते हैं। यहाँ पे दो बार बोला गया है एतम एवं सामनाम उपनिषदम वेद उपनिषदम वेद, दो बार जो कहा गया है दीर्घ अभ्यास अध्याय परिसमाप्ति अर्थ, दो बार यहाँ पे एक मंत्र को बोला गया है अध्याय की परिसमाप्ति का द्योतक है ये। अब देखना ब्रह्म सूत्र में जो है जहाँ पे जो अंतिम सूत्र हो रहा है उसका लास्ट अक्षर को दोहरा दिया, परंतु जब पूरा समाप्त हो जाता है न च पुनरावर्तते न च पूरा सूत्र को दोहरा दिया पूरे ग्रंथ के लिए एक मर्यादा है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि दीर अभ्यास अध्याय परिसमाप्ति अर्थ, दीर अभ्यास है अध्याय की परिसमाप्ति का द्योतक है, और यहाँ पे और बोलते हैं परिसमाप्त अर्थ साम अवयव विषय उपासना विशेष परिसमाप्ति अर्थ बा इति, अथवा अभी तक साम गान सप्तभक्ति सब है ना एक एक भाग का उपासना को अलग अलग करके बोला, अब जो है सारा उपासना मतलब शाम भाग को एक साथ चिंतन करने के लिए बोलेंगे, इसलिए भाग करके जो विभाग करके जो उपासना था उस भाग उतना हिस्सा समाप्त हो रहा है यहाँ, इसलिए बोलते हैं शाम अवयव विषय उपासना विशेष परिसमाप्ति, जो शाम के अवयव विषय पर क्या हो गया ये जो उद्गान उद्गीत प्रस्ताव प्रतिहार स्तोव अक्षर एक एक अवयव है इस संबंधित जो है उपासना के बारे में कहा, अब जो है पांच भाग को एक साथ लेकर के सात भाग को एक साथ को लेकर के उपासना को बोलेंगे चिंतन के लिए बोलेंगे सर शाम अवयव विषय उपासना विशेष परिसमाप्ति अर्थ बा अथवा इसके लिए बा मतलब ये दो बार बोला ना उपनिषद इति भगवान भाष्यकर भी इति बोल रहे हैं मतलब मतलब ये अध्याय यहीं पे समाप्त है परिसमाप्ति का दो है। टीकाकार देखिए इसी के ऊपर लिख रहे हैं, टीकाकार बोल रहे हैं कि नैतानी व्यस्तानी उपासनानी प्रत्येक फल अश्रवना, ये जो यहाँ पे बोला अथकार फिर मतलब इहकार उहकार ये सब जो अलग अलग बोला ये अलग अलग उपासना नहीं है, क्योंकि अलग अलग उपासना होता तो अलग अलग उपासना का अलग अलग फल कथन करते, परंतु सब मिल करके एक फल कथन किया, इसलिए एक न्याय है फलवत संयधो अफलम तद अंगम पूर्व मीमांसा दर्शन के सूत्र बने मंत्र जय विनय में, फल फल वाला किसी एक क्रिया के साथ यदि उसका आगे आगे कोई कर्म का विधान किया तो फल कथन नहीं किया तो वो मानना पड़ेगा क्या वो उस मूल क्रिया वाले जो फल है ना फल वाला जो क्रिया उसका अंग है ये फलवत सन्निधो अफलम तद अंगम, फल की सन्निधि में पढ़ा गया कुछ क्रिया यदि वहां पे फल कथन नहीं है तो क्या होता है वो फल वाले का अंग होता है, जिस प्रकार दर्श पूर्णमास जाप के प्रकरण में अनुयात प्रयास की कथन किया गया है, परंतु अनुवाद पर फल कथन नहीं किया इसीलिए ये सिद्ध होता है ये दर्श पूर्णमास जाप के अंग है अनुयात प्रयास, हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में आएगा बृहदारण्यक पहला उपासना है अश्वमेध उपासना, उसका द्वितीय खंड पहले अध्याय के पहला खंड में वो अश्वमेध उपासना मतलब अश्व की जो मेध जाग की जो घोड़ा है ना घोड़ा को विराट पुरुष के रूप में चिंतन करना, परंतु वहां पर उसका कुछ फल कथन नहीं है, उसके बाद वो जाग में अग्नि के बिना तो जाग होना नहीं है उसके बाद अग्निविद्या है, तो वहां पे दोनों मिलकर के फिर फल कथन करते हैं, यानी कि दोनों उपासना एक साथ करना होगा और इसके मिलकर के एक ही फल होगा दो फल नहीं है, तो यहाँ पे जी अलग अलग बोला ना हाउ का इह का ऊह का इस सब जो अलग अलग करके एक एक निधन करने के लिए बोला ये अलग अलग उपासना नहीं है ये पूरा मिला करके एक उपासना क्यों एक ही फल कथन किया दुग्ध में बाघ होकर, इसीलिए हम पास नैतानी व्यस्तानी उपासनानी ये उपासना अलग अलग नहीं है क्योंकि प्रत्येकम फल अश्रवण प्रत्येक उपासना के अलग अलग फल नहीं सुनाई देने के कारण समस्तम पुनर एकम इदम उपासनम
ये सारा मिलकर के एक ही उपासना है, समस्तम पुनर एकम इदम भूरि। फिर ये सकता है कैसा, तब बोलते सब मिलकर के एक उपासना, क्यों एक फलत्वा, सब मिलकर के एक फल कथन किया इसलिए। इति अभिप्रेत, इसी को मन में रखते हुए कहते हैं स्तोभ अक्षर भगवान, स्तोभ अक्षर विषय उपनिषदम दर्शनम वेद। सारा अक्षर 13 स्तोभ है, 13 स्तोभ मिल करके उस स्तोभ में क्या क्या दृष्टि करना है, पृथ्वी लोक वायु फिर चंद्रमा जो भी दृष्टि करना है, इस प्रकार से स्तोभ को उच्चारण कथन सब मिल करके एक उपासना है। फलतः आदि इति अभिप्रेत हस्तोभ अक्षर उपनिषदम वेद, उपनिषदम वेद इति आवृत्ते तात्पर्य। दो बार यहाँ मतलब जो इस प्रकार रहस्यमय उपासना को जानते हैं तो करते हैं, यानी स्तोभ अक्षर में क्या आता है ये दो बार बोला, इसका तात्पर्य क्या है तो भगवान भाष्यकार लिखते हैं क्या दीर अभ्यास अध्याय परिसमाप्ति प्रथम अध्याय पूरा है जाता है यहाँ पे इसको प्रथम प्रपाठक व्याख्यान समाप्त इति शब्द। प्रथम अध्याय प्रपाठक मतलब अध्याय, प्रथम अध्याय की व्याख्यान भी समाप्त हो गया यहाँ पे, इसको समझाने के लिए भगवान भाष्यकार भाष्य में एक इति पद प्रयोग किया, भाष्य में जो इति पद है ना प्रथम प्रपाठक व्याख्यान समाप्त इति शब्द है ना, ये समाप्त पढ़ने में आ रहा है जी। समाप्त कैसे हो गया वहाँ, वह कैसे दिखाई दे रहा है वहाँ, समाप्त इति शब्द, इसलिए वहाँ पे इति शब्द प्रयोग किया। छांद गोपनिषद ब्राह्मणे प्रथम अध्याय समाप्त इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिव्राजक आचार्य श्रीमद शंकर भगवत पाद कृतो छांद गोपनिषद विवरणे प्रथम अध्याय समाप्त। ठीक है, तो पहले से सभी उपनिषद में है गोविंद भगवत पूज्य पाद के शिष्य परमहंस परिव्राजक आचार्य तो शंकराचार्य की तरह किया हुआ छांद गोपनिषद की व्याख्यान में पहले अध्याय समाप्त हो जाता है। टीकाकार भी देखे उनका भी परिचय यहाँ पे लिखता है, मैं बाद में आगे उसको अर्थ नहीं बोलूंगा, यहाँ पे तो सीधा सीधा है ना, यहाँ पे इति श्रीमन परम वंश परिव्राजक शुद्धानंद पूज्य पाद शिष्य भगवत आनंद ज्ञान कृतायाम छांद को भाष्य टीकायाम प्रथम अध्याय समाप्त। इसमें क्या बोल रहे हैं कि श्रीमद परमवंश परिव्राजक आचार्य तो कॉमन एक विशेषण है, आनंद गिरि जी के गुरु जी का नाम था शुद्धानंद जी, पूज्यपाद शिष्य पूज्यपाद शुद्धानंद जी के शिष्य भगवत आनंद ज्ञान, उनका नाम था आनंद ज्ञान, आनंद ज्ञान है ना, उनके तरह किया कृतायाम, उनके तरह किए हुए छांद गोपनिषद भाष्य की टीका में ये पहले कृतायाम मतलब इसमें सप्तम अंश में ये पहला अध्याय पूरा हो जाता है, प्रथम अध्याय समाप्त। टिप्पणी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, नहीं अब हम लोग द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर, पहले मैं बोला था ये दोनों प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय कर्मांग अवबद्ध उपासना, कर्मांग अवबद्ध उपासना है यहाँ पे भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड के उपोद्घात दे रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं ओम इति एतत् अक्षरम इत्तादीना साम अवयव विषयम उपासनम अनेक फलम उपदिष्टम। इसलिए आनंद गिरि जी देखिए बोल रहे हैं पूर्व उत्तर प्रपाठकयोः संगतिम दर्शयति। पूर्व हो गया पहला अध्याय, उत्तर हो गया द्वितीय अध्याय, पहला और द्वितीय अध्याय के बीच में संबंध क्या है। हर दक्षिण ब्रह्मसूत्र में आपने देखा होगा प्रत्येक अध्याय के साथ प्रत्येक अध्याय का क्या संबंध है, फिर प्रत्येक अध्याय में चार चार पाद है उस पादों में आपस में क्या संबंध है, और प्रत्येक पादों में कई अधिकरण है अलग अलग विषय, प्रत्येक अधिकरण के बीच में क्या संबंध है, इस प्रकार से ग्रंथ में निर्णय करके दिखाया हुआ है। भगवान भाष्य का भी भगवद गीता में भी देखना इस श्लोक के बाद इस श्लोक का क्या संबंध है, इस अध्याय के बचे इतने क्या संबंध है, ये वेदांति क्यों ऐसा दिखाते हैं, ये दिखाने से क्या होता है कि सब मिल करके एक ही वस्तु को प्रतिपादन कर रहे हैं, ये नहीं कि एक अलग वो एक अलग 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 18 अध्याय में अलग अलग टॉपिक को कहा गया गीता में, ये बात नहीं है, 18 अध्याय मिल करके एक ही वस्तु को प्रतिपादन कर इसको दिखाने के संबंध को बता रहे हैं। याद होता है पूर्व उत्तर प्रपाठक योहु संगतिम दर्शयति, पहला अध्याय द्वितीय अध्याय दोनों के बीच में संबंध क्या उसको दिखाते हैं भगवान भाष्यकर। ओम इति एतद् अक्षरम इत्तादीना साम अवयव विषयम उपासनम अनेक फलम उपदिष्टम। शुरू कैसे हुआ था उपनिषद, ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित, इसका प्रतीक लेकर इस प्रकार से जो उपनिषद शुरू हुआ है ओम इति एतद् अक्षरम इत्तादीना, इस प्रकार से शुरू किया गया है जिस उपनिषद का उसका तारा उसके साथ साम अवयव विषयम उपासनम, साम की अवयव, साम भक्ति की साम मतलब एक भक्ति,
सामगान, सामगान के अवयव क्या है, वो जो आदि, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, उपद्रव, प्रतिहार, निधन, ये जो सात अवयव है, इसमें पांच विकल्प है। ये साम अवयव विषम उपासना, साम भक्ति बता, सामगान के अवयव रूप जो उद्गीत, प्रस्ताव, प्रतिहार, हिंकार है, स्वभक्ष है, ये अवयव विषय उपासना को अभी कथन कर दिया गया, ठीक है ना। साम अवयव विषम उपासना, और इसका अलग अलग फल भी कथन किया है ना, अनेक फलम उपदिष्टम, इसको उपदेश हो गया। अनंतरम च, पहले कथन करने का, अनंतरम च स्तोभ अक्षर विषय उपासना मुक्तम, फिर अंतिम में क्या है, स्तोभ अक्षर जो अर्थहीन कुछ शब्द है उनका उपासना के बारे में भी कथन कर दिया गया। सर्वथा अपि साम एक देश संबद्धम एव तद इति, ये कितना भी यहाँ पे कथन, परंतु वो सामगान के एक देश है, एक एक भाग को लेकर के बोला गया। प्रस्ताव एक भाग है, प्रतिहार एक भाग है, उद्गीत एक भाग है, हिंकार एक भाग है, स्तोभ अक्षर भी एक भाग है, क्योंकि स्तोभ मतलब जहाँ किसी गाने के बीच में वो करके से बोलते हैं तो गाने का अक्षर नहीं है, गाने का भाग है, पार्ट है, इसीलिए हमें बोलते हैं सर्वथा शाम एक देश संबद्ध उसके साथ जुड़ा है वह तद इति, मतलब ये शाम को उद्गीत उपासना। अथ इदानीम, ये हो जाने के बाद, अब इसके बाद अथ इदानीम समस्ते सामनी, है ना, अब पूरा शाम भक्ति में पंचभक्ति अथवा सप्त भक्ति जो भी होगा, समस्त समत समस्त साम विषयानी उपासन, संपूर्ण साम विषय जो उपासना है उन उपासनाओं को बक्षामी, मतलब मैं बोलूंगी श्रुति, कर्ता कौन होगा, श्रुति इति आरभते श्रुति, इसको मन में रखते हुए श्रुति अगला द्वितीय अध्याय को शुरू करती है, ठीक है ना, इसलिए होता है इति, इसको मन में रखते हुए आरभते रब्धातु तो स्टार्ट अर्थ में, बिगिन अर्थ में होता है, तो शुरू श्रुति जो है, श्रुति अब जो द्वितीय अध्याय को शुरू करती है, मतलब श्रुति के क्या अभिप्राय है, पंचभक्ति का सप्त भक्ति शाम को एक साथ उपासना, किस किस वस्तु में कैसा दृष्टि करने समझता है। युक्तम ही एक देशो उपासना अनंतरम, एक एक अलग अलग अंग की उपासना के बाद अंगी की उपासना करना, अंग की उपासना करने के बाद, अंग मतलब एक एक शरीर के, एक एक मान लिया अपने शरीर में एक एक भाग में एक एक दृष्टि करके उपासना, मतलब पूरा शरीर का उपासना एक साथ पूर्ण दृष्टि से, इसीलिए बोलते हैं कि एक देशो उपासना अनंतरम एक देशी विषय, एक देशी संबंध अंगी, देश हो गया अंग और देशी हो गया अंगी, इसलिए बताया इस अंगी विषय उपासना मुच्यते तत् संबंध, मतलब संपूर्ण साम विषय उपासना को अब इस समय कहा जाता है इति, इस प्रकार से उपोद्घात दे दिया। अब आ जाइए टीकाकार क्या बोलते हैं कि पूर्वोत्तर प्रपाठक संगति दर्शयति ओ मित्तनिना सर्वथा अपि, ठीक है ना, सर्वथा अपि साम अवयव विषयत्ते स्तूप अक्षर विषयत्ते च इति अर्थ भाषण में ना, सर्वथा अपि साम एक देश संबद्धमेव तदिति, सर्वथा भी मतलब क्या है, चाहे वो प्रस्ताव प्रतिहार उद्गीत हो अथवा स्तूप अक्षर हो, वो तो है तो एक देश, मतलब एक, एक, एक अंश है, वो पूरा नहीं है, इसलिए बोलते हैं सर्वथा भी का अर्थ हो गया। आपके पुस्तक में क्या लिखा है आगे पढ़ी सर्वथा के बाद, वहाँ पे म में आकार की मात्रा नहीं है ना, मात्रा साम अवयव विषय, तो हमारे पुराने पुस्तक में ना म में आकार की मात्रा नहीं, मैंने लगाया उसको पुराने पुस्तक में, जरा संशोधन करना पड़ेगा, तो म में आकार की मात्रा लगाना पड़ेगा, साम अवयव विषय, शाम अवयव विषयत्ते स्तूप अक्षर विषयत्ते च, तो भी अंश ही है, चाहे शाम की अवयव हो चाहे स्तूप अक्षर हो, वो एक अवयव मात्र सर्वथा भी, तो वहां पे जो है इति बोला है ना, सर्वथा भी शाम एक देश संबद्धम एव तद इति, इति शब्द अचानक बीच में क्यों लगा दिया, इसके लिए ध्यान देंगे, इति शब्द हेतु अर्थ, क्योंकि एक अवयव रूप है, इसीलिए वो जो है पूरा संपूर्ण का संपूर्ण शाम को उपदेश नहीं है, उपासना नहीं है वहां पे, इति शब्द हेतु, तो हेतु का क्या अर्थ हो गया, देखो जस्मात एक देश विषयानी उपासनानी वृत्तानी तस्मात तानी समस्त विषयानी वक्तव्यानी इति अर्थ, क्योंकि पहले आपको एक एक देश करके समझाया, जिस प्रकार देखिए जो पंजाब सिंधु गुजरात मराठा ऐसा एक एक देश करके दिखाते हैं, फिर उससे संपूर्ण भारत के साथ दिखाते, ठीक है ना, इसी प्रकार यहाँ पे जो है जस्मात एक देश विषयानी उपासनानी वृत्तानी, क्योंकि एक देश संबंधित उपासना को वृत्तानी मतलब कथितानी, बोला बोलना हो गया कथितानी, तस्मात इसलिए तानी समस्त विषयानी, इसीलिए
उस सब अवयव मिलकर के क्या होता है उसको एक साथ बोलना चाहिए, इसलिए अगला भाग शुरू होता है। आपको पैर का, घुटने का, जांघ का, पेट का, छाती का, सर का, हाथ का सब बता दिया एक एक करके। अब पूरा मिल करके एक मनुष्य शरीर होता है, इसको इस संबंध उपासना बोलने के लिए अब अगला भाग शुरू हो रहा है। इसलिए जस्मात एक देश विषयानि उपासनानि वृत्यानि, मतलब एक देश विषय उपासनाओं को कथन कर दिया गया, तस्मात तानी समस्त विषय, इसलिए उसी का ही वो सारा हाथ पैर मिल करके क्या रूप दिखता है उसका, उस विषय उपासना को अभी कहना चाहती है श्रुति वक्तव्य ने इति अर्थ। क्यों ऐसा बोलना चाहते हैं, क्योंकि एक देश उपास्ति व्याख्यान अनंतर अथ शब्दार्थ, उसके बाद अथ इदानी भाष्य में है, अथ देखिए है ना, अथ का क्या अर्थ है, एक देश विषय उपासना को कथन करने के बाद आप पूरा अंगी की उपासना के बारे में कथन करना चाहती है स्तुति। भाष्य में जो अथोपद है, मूल में अथोपद नहीं है, भाष्य में है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे ये समझ में, एक देशो उपास्ति व्याख्यानम अनंतरम अथ शब्द, अथ शब्द कहाँ पे, अथ इदानी वहां पे अथ शब्द है, ठीक है, ये अथ शब्द हो गया। अच्छा फिर बोलते हैं कथम उक्त बक्षमान उपासनयो इदम पूर्वापर्य, ठीक है, जिसका कथन कर दिया गया और आगे जिसका बोला जा रहा है, इन दोनों के ऐसा पूर्वापर संबंध कैसे हो गया, इसके बाद इसी को क्यों बोला जा रहा, दूसरे को क्यों नहीं बोला जा रहा है ना, कथम प्रश्न उठा कैसे, उक्त मतलब जिसका कथन कर दिया गया और वक्षमन मतलब जिसको आगे बोलने जा रहा है, फ्यूचर पार्टिसिपल है, उक्त मीन्स इट इज ऑलरेडी टोल्ड एंड व्हाट यू आर गोइंग टू टेल है ना, इसलिए बोलते हैं वक्षमन उपासनायो, दोनों उपासना का इदम, इस प्रकार की परिग्रह पर जो आगे पीछे का भाव, इस प्रकार की क्रम सीक्वेंस है ना, कैसे हो सकते हैं, तत्र आगे उसके उत्तर में कहते हैं युक्तम ही एक देशो उपासना अनंतरम एक देशी विषय उपासना मुच्यते है ना, एक अलग अलग विषय का उपासना पाठ का कथन करने के बाद वो अंश मिलकर के क्या रूप खड़ा होता है उसको बारे में कथन करना युक्त संगत है, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार पौर्व्यापर्य विषय रखा गया है। अब मूल मंत्र में आ जाते, यहाँ तक हो गया उपोद्घात भाष्य के ऊपर, उपोद्घात भाष्य की टीका, ठीक है, अब मंत्र में आ जाइए। अथ द्वितीय अध्याय से प्रथम प्रथम खंड, ओम समस्तस्य खलु साम्नो उपासनगुं साधु, ओम समस्तस्य खलु साम्नो उपासनगुं साधु, यत् खलु साधु तत् साम्नः, यत् खलु साधु तत् साम्नः, इत्ताचक्षते इत्ताचक्षते, यत् असाधु तत् असाम इति, यत् असाधु तत् असाम इति, ओम समस्तस्य खलु साम्न उपासनं साधु, यत् खलु साधु तत् साम इत्ताचक्षते, यत् असाधु असाम इति। यहाँ पे हमारे मूल पुस्तक में आचक शब्द में चकार नहीं है, मूल में देखो पुराने पुस्तक में है चकार है नहीं, चकार को लिखना पड़ेगा, पुराने पुस्तक में नया पुस्तक में है, हमारे पुस्तक में चकार लिखा हुआ नहीं है, इसलिए अब क्या हुआ, ओ समस्तस्य खलु साम्नो उपासनं साधु, मतलब सारा अवयव मिल करके जो एक साम होता है तो खलु मतलब निश्चय अर्थ में उस साम की उपासना करना अच्छा होता है, साधु मतलब उत्तम, उस प्रकार में भी अभी तो छोटा छोटा एक एक अंश को अपने उपासना किया, मतलब पहले क्या हुआ देखिए, ईशावास्योपनिषद में भी देखा पहले क्या होता है कि प्रत्येक जीव के अंदर कर्म की एक प्रवणता होती है, तो अचानक कर्म छोड़ने के लिए बोले तो होना संभव नहीं, इसीलिए उस कर्म की प्रधानता को प्राधान्य दे करके थोड़ा 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 उपासना के बारे में सिखाया, अब जब उपासना करने से आपको थोड़ा अच्छा लगता है तब कहते हैं कर्म की मात्रा कम उपासना की मात्रा अधिक, उपासना की मात्रा ईशावास्य उपनिषद में देखना पहले आया विद्याम च अविद्याम च, फिर उसके बाद आया असंभूति संभूति, संभूति असंभूति, ठीक है ना, विद्या माने अविद्या मतलब कर्म, मतलब अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से ऊपर उठ करके शास्त्रीय कर्म और उसके साथ उपासना के तरह कहते अविद्या मृत्यु तीर्थ विद्या अमृत वस्तु, फिर उसके बाद बोलते हैं असंभूति और संभूति, मतलब हिरण्य गर्भ और अव्यकृत प्रकृति उपासना, दोनों उपासना मतलब क्या, आपको देखिए पहले स्थूल से लेकर के धीरे 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 सूक्ष्मता के ओर मन को ले जाए,
और उसमें मन को रखने की अभ्यास करना। यहाँ भी पहले कर्म की अधिक प्राथमिकता थी, फिर उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके अब जो है सारा वस्तु को एक साथ मिलाकर के उपासना। इस प्रकार एक साथ मिलाकर के यदि आप उपासना लंबा समय तक कर सकते हैं तब क्या होता है, निश्चित ही वो हमारे लिए कल्याणकारी साधु होता है ना। इसीलिए योग दर्शन में बहुत एक सुंदर सूत्र है, जथ अभिमतम ध्यानाद बा वैराग्य व पुरुषोमान बा। मतलब क्या है, आपको कोई अच्छा पुरुष तो आपने सूक्ष्म वस्तु पकड़ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, कोई महापुरुष के जीवन आपको अच्छा लगता है, आप लंबा समय तक उसी के जीवन के ऊपर जीवन चरित को विचार करते मन को लगा के, मतलब मन को एक विषय में रखने की अभ्यास करें, फिर अथवा अपने जीवन के कोई घटना जो आपको अच्छा देता अच्छा लगता है आपको खुश करता है इसके ऊपर यथाभिमतम ध्यान अथवा उसी के ऊपर एक विषय में मन को लंबा समय तक लगा के रखने का अभ्यास करें, फिर वहां से धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म जाके उठ जाए। पूरा उपनिषद की शैली अथवा साधन की शैली हर दर्शन में यही है। ये जो भगवान के नाम रूप अवलंबन लेकर के हम जब ध्यान करते हैं ना, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को इतना भी नहीं आता कि एक स्थूल रूप में भी मन को एकाग्र करने का, या वही नहीं हो पाएगा तो सूक्ष्म वस्तु आत्मा के बारे में कैसे चिंतन कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला कि देखो पहले अवयव के बारे में कर्म की प्राधान्यता देकर के अवयव के बारे में कथन किया, अब जो उपासना की प्राधान्यता यदि कर्मांग उपासना, परंतु यहाँ पे कर्म उपासना की प्राधान्यता अधिक है। इसको लेकर के चैतरीय उपनिषद में जब आपका शिक्षा बल्ली के बाद ब्रह्मानंद बल्ली शुरू होते हैं तब वहाँ पे भगवान भाष्यकर स्वतंत्र रूप में विचार उठाया क्या कर्म से मुक्ति, फिर कर्म के साथ उपासना से मुक्ति, मतलब 75% कर्म और 25% उपासना, फिर उसके बाद 50-50 कर्म और उपासना, फिर उसके बाद उपासना 75% कर्म और 100% ज्ञान, इससे मुक्ति होता है। इसको लेकर के स्वतंत्र विचार उठा करके दिखाया कि कर्म और उपासना आपको ज्ञान के दरवाजे तक पहुंचेगा, मुक्ति तो ज्ञान से ही हो, मुक्ति तो ज्ञान से होगा। अलग अलग जाति में भगवान भाष्य का जहां जहां मौका मिला ना हमारे सारा शंका को निराकरण करने के लिए ऐसा ऐसा स्वतंत्र रूप से अपने आप उठा करके ये मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है, रीति ज्ञानात्मक मुक्ति। तो यहाँ पे इस ज्ञान में मतलब सूक्ष्म वस्तु के मन को स्थिर करने के लिए अब जो है एक और उपासना की मात्रा को बनाने के लिए द्वितीय खंड शुरू हुआ। अब इसीलिए बोला अभी क्या, समस्त खलु सामनो उपासना गुम साधु, संपूर्ण शाम अवयव की, मतलब आपको पहले आप एक अवयव के ऊपर चिंतन कर रहे थे, आप पांच अवयव के ऊपर उसमें एक दृष्टि करके आपको चिंतन करना समाधि जाएगा। यही टेक्निक है अभी, फिर उसके बाद सात, पहले पांच भाग को बोलेंगे फिर उसके बाद सात भाग वाला बोलेंगे, यानी कि सात भाग को अलग अलग चिंतन, उस सात भाग में अलग अलग प्रकार की दृष्टि, तो क्या हो जाएगा मन अधिक समय लगा रहे। इस अभिप्राय समस्त सकल सामने उपासना साधु, मतलब अवयव उपासना की तुलना में समस्त उपासना एक साथ मिल करके करते हैं तो क्या होता है, इसलिए ना यदि और कुछ ना हो कभी कभी शुरू में इस प्रकार किसी भी भगवान देवी देवता की मूर्ति आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो आप सीधा मूर्ति में लंबा समय केवल चेहरे में मन को नहीं कर, तब एक काम करना, क्या करना चाहिए, इसमें किसी एक बाएं पैर की नखून से लेकर के धीरे 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 ऊपर आइए, फिर सर से घुमा करके दाहिना तक जाइए, ठीक है। ऐसा करते करते फिर एक एक अवयव के प्रति मन कंसंट्रेट हो जाएगा, नाउ यू कैन कंसंट्रेट ऑन द फुलफिल, ऐसा भी प्रोसेस है। तो ये हम कहां से सीखा, ये उपनिषद से सीखा, ये उपनिषद से सीखा। जैसे ये जो क्रिया जो बोलते भी आएगा देखने यहाँ पे, दृष्टम जो श्रुतम तेतु उपासित हो गया, हम कन बंद करके कपुलंदरणी साउंड को सुनना, वो भी यहाँ पे उपनिषद में चंद उपनिषद, ये जिसको क्रिया जो बोलते हैं आजकल, वो भी यहाँ पे आया हुआ है। अतः समस्त खलु सामनो उपासना गुम साधु, संपूर्ण मतलब सब समस्त अवयव मिलकर के एक साथ निश्चित उपासना करना, ये निश्चित उत्तम उपासना है। जत खलु साधु तत् साम, मतलब निश्चित ही जो साधु है जो उत्तम है वही साम। यहाँ पे साम शब्द का अर्थ तीन प्रकार से हम लेते हैं, साम मतलब शांत, साम मतलब संतोष, साम मतलब प्रीतिपूर्वक। साम शब्द का अर्थ शांत अथवा शांत दोनों, और फिर संतोष, और फिर हो गया प्रीतिपूर्वक व्यवहार, है ना। यदि अंतकरण शांत रहेगा तो प्रीतिपूर्वक व्यवहार होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे साम शब्द का और इस प्रकार व्यवहार निश्चित उत्तम है, है ना। यहाँ पे जो है साधु शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, साधु शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, उत्तम। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, साधु में उकरण तो गुरु शब्द में
विषय को होता है ना गुरु शब्द में गुरु 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 साधु में आगे तो जब दिखाई दे विसर्ग तो नहीं दिखाई दे रहा है तो क्यों नहीं विसर्ग दिखाई दे रहा है क्या गलत छपा हुआ है अथवा कोई और कारण है आप जानते हो इसको मधु शब्द देखो ना मधु न्यूट्रल जेंडर है ये साधु न्यूट्रल मधु मधुनी मधुनी मतलब ये न्यूट्रल जेंडर में प्रयोग किया इसीलिए विसर्ग नहीं है इस प्रकार बारी बारी नहीं बारी नहीं इसका अर्थ उत्तम है उत्तम है मतलब साधु ये वाला ये साधु नहीं इसका अर्थ साधु सारी शब्द उत्तम साधु यदि पुल्लिंग में प्रयोग करता तो व्यक्ति हो जाता यहाँ पे साधु उत्तम अर्थ में प्रयोग किया हुआ है लेकिन विसर्ग नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा भी मतलब शाम शाम शब्दों का तीन अर्थ बताया हमने शांत संतोष और प्रीति तो यहाँ पे निश्चित ही इस प्रकार की व्यवहार जो है साधु मतलब उत्तम होता ही है ना उत्तम होता है इसे होता है जत खलु साधु तत् साम जो इस प्रकार प्रीतिपूर्वक व्यवहार है इसी को हम साम बोलते हैं है ना जो जो उत्तम है उसी को हम साम बोलते हैं यदि आचक्षते इस प्रकार बोला जाता है जत असाधु तत् असाम है ना जो जो साधु उत्तम नहीं है वो समत्व भी होता है समत्व बुद्धि होने पर ना आपका साधु व्यवहार होता है और असमत्व बुद्धि से असाधु व्यवहार होता है राग द्वेष से व्यवहार होगा तो असाधु व्यवहार होगा असमत्व असम विषम व्यवहार होता है उसमें और ये साम मतलब समत्व जैसे हमारे पास ना साम दाम दंड भेद किसी की प्रतिकार करने के लिए इस प्रकार वहां भी साम शब्द प्रयोग होता है मतलब समत्व बुद्धि से देखो आपने कई बच्चों में गलती किया देखो तुम ऐसा मत करो देखो उस बच्चे उसको जो मैं ये दिया ना तुमको भी यही दूंगा तुम उसका वादा करो तुम अच्छे हो इस प्रकार बोलते हैं उसकी गलती का पहले इस प्रकार के सुधारने का कोशिश करते हैं तो साम शब्द का अर्थ होता है यहाँ पे शांत स्वांत स्निग्धता प्रीतिपूर्वक और साधु शब्द का अर्थ हो यहाँ पे उत्तम अच्छा इस अर्थ में यहाँ पे साधु है ना इस अर्थ में मतलब व्यक्ति नहीं यहाँ पे सभी पैसे बोल रहे हैं अब देखिए जो उत्तम है वही शोभन है और जो शोभन है वही उत्तम है इस प्रकार पंडित लोग बोलते हैं अब देखिए यहाँ पे भाष्यकार क्या लिखते हैं समस्तस्य सर्व अवयव विशिष्टस्य पांचो भक्तिकस्य साप्तो भक्तिकस्य च इति अर्थ क्योंकि यहाँ पे मैं पहले बताया था पांच भाग वाले उद्गान भी है सात भाग वाले उद्गान भी है परंतु उद्गान उद्गीत के बीच वाला है उद्गीत उद्गान के जो बीच वाला अवयव है उद्गीत उसका पहले तीन है आदि आदि प्रस्ताव हिंकार और उसका बाद वाला है कि उपद्रव प्रतिहार और निधन तो प्रतिहार उपद्रव निधन इस क्रम में आगे आएगा यहाँ पे इस साथ में इसमें जब आपने आदि और उपद्रव को छोड़ देंगे तब पांच भक्ति हो जाता है पांच भाग वाला हो जाता है इसलिए बोलता है यहाँ पे भक्ति मतलब अंग भक्ति मतलब डिवोशन नहीं यहाँ पे डिविशन यहाँ पे भक्ति मतलब क्या हो जाएगा डिविशन नॉट डिवोशन यहाँ पे ये बोलते हैं कि समस्तस्य सर्व अवयव विशिष्टस्य पांच भक्तिकस्य साप्त भक्तिकस्य च इति अर्थ ये समस्त का अर्थ हो गया पहला शब्द भाष्य में क्या है मूल में समस्तस्य तो उसका अर्थ क्या होगा या तो पांच भक्तिक अथवा साप्त भक्तिक साम का ठीक है ना खलु फिर दूसरे शब्द क्या है भाष्य में खलु खलु शब्द का अर्थ क्या वाक्य अलंकार अर्थम वाक्य अलंकार मतलब थोड़ा एक एम्फोसाइज करने के लिए निश्चित ऐसे होता है वाक्य अलंकार बोलते हैं खालु किल बाब वही इस प्रकार शब्द इस वाक्य अलंकार के लिए प्रयोग करते हैं फिर क्या शब्द आया है सामन उपासनम है ना शाम का उपासन भक्ति का उपासन सामन उपासनम साधु इस प्रकार समस्त पंच भक्ति का तो बस एक साथ मिला करके जो उपासना करते हैं वो उपासना अच्छा है उत्कृष्ट है साधु यहाँ पे उत्कृष्ट है अच्छा इस अर्थ में आया हुआ उत्तम है ये समस्ते सामने साधु दृष्टि विधि परत्वात् न पूर्व उपासना निंदार्थम साधु शब्द अब क्या हुआ पहले आपने विभाग करके कहा यानी कि आप यहाँ पे साधु बोल करके उसको उत्तम बोल करके वो अनुत्तम अधम कहना चाहते हो कौन पहला अध्याय में जो बोला बोलता ये बात यहाँ पे नहीं है ये अभिप्राय नहीं है समस्त साम्य पांच भौतिक शब्द उसमें साधु दृष्टि का की उपासना करना है देखो इसमें जो है वो जो लास्ट में चौथा मंत्र में देखिए
इसी का चौथा मंत्र सज एतदेव विद्ना साधु सामयति उपास्ते, मतलब शाम में साधु दृष्टि करके उपासना करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये अगला न्याय, हमारे एक न्याय भी है कि नहीं निंदा निंदितुम उत्सुह, निंदा निंदनीयम निंदितुम उत्सहते अपितु विधेयस्य स्तोतुम, मतलब किसी भी जगह पे कोई निंदा, वो कोई निंदनीय को निंदा करने के लिए प्रवृत्ति नहीं हो शास्त्र में, किंतु जिसको विधान करना चाहते उसकी स्तुति के लिए आया हुआ है। किसी भी जगह पे यदि कहीं पे ऐसा कुछ मतलब अनुपयुक्त लगता है, वो ये नहीं कि उसका निंदा करना चाहता है, परंतु जिसको विधान करना चाहते हैं उसकी स्तुति के लिए है। इसको इसको दृष्टांत के द्वारा यदि आप समझना चाहते हैं, देखिए ईशावास्य उपनिषद में पहला मंत्र क्या है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्तं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मार्गं कस्य सिद्धं, ये ज्ञान है। सारा वस्तु में आप ईश्वर दृष्टि करो, सारा संसार को ईश्वर दे, परंतु उसके बाद क्या आया, असुरजा नाम होते लोकांधीन तमसा पिता तांग से प्रत्यभिगच्छन्ति जे के चात्मानो जन। तो क्या ये जो है कर्म को निंदा करना चाहते हैं क्या, मतलब आगे फिर कर्म का समुच्चय करके बोलना कि कर्म मतलब क्या बोला, जो लोग कर्म में लगा रहते हैं वो अशुभ संबंधित भोग संबंधित लोक में जाते हैं। यहाँ पे कर्म की निंदा नहीं, वो जो ज्ञान का विधान किया वो ज्ञान की स्तुति के लिए बोलते हैं, यदि तुम इस प्रकार ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तब क्या हो जाएगा, भोग संबंधित लोक में घूमते रहोगे, असुरय अशु संबंधित अशुशु रमते इति असुरा, मतलब प्राण वृत्ति इंद्रिय वृत्ति में रमन करते रहते, इसलिए उसको असुर बोलते हैं। भोग आप इसी प्रकार लोक में घूमते रहोगे, यानी कि जिसको विधान करना चाहते हैं उसकी स्तुति के लिए जो है कभी कभी ऐसा वाक्य आते हैं। यहाँ भी ऐसा है, जो क्या प्रथम अध्याय में जो शाम अव्यव अलग अलग करके बोला उसकी निंदा ये नहीं है, परंतु समस्त शाम की उपासना करने से मतलब मन अधिक समय तक एक दृष्टि में रह सकते हैं, इसलिए बोलते हैं समस्त सामने साधु दृष्टि विधान परत, क्योंकि समस्त शाम उपासना में साधु दृष्टि का विधान किया है। या फिर इस प्रकार बोधक होने के कारण न पूर्व उपासना निंदार्थम साधु शब्द, यहाँ पे साधु शब्द पूर्व जो व्यष्टि उपासना को निंदा के लिए साधु शब्द नहीं है, क्योंकि आगे क्या बोलता है, शाम में साधु दृष्टि करके उपासना करना है, समस्त शाम में साधु दृष्टि करके उपासना करने से लिए ये पहला खंड का निंदा लिए नहीं है। ननु पूर्वत्र अविद्यमानम साधुत्तम समस्ते सामने अभिधीयते, शंका करने वाले बोलते हैं पहले तो आपने साधु नहीं कहा था, उपासना अच्छा है सब नहीं कहा था, अब यहाँ पे आकर समस्त सामने हम साधु बोल रहे हैं, यानी कि व्यस्त उपासना निंदनीय होगा, व्यस्त मने अलग अलग निंदनीय होगा। ननु पूर्वत्र अविद्यमानम साधुत्तम, पहले तो साधुत्व आपने नहीं कहा, समस्त सामने अभिधीयते, समस्त जो संपूर्ण भक्ति में उसको अभिधान करने जाते हैं, इसलिए तो निंदनीय होना चाहिए। न ये बात नहीं है, साधु शाम उपास्ते इति उपसंगात, क्योंकि आगे देखो यहाँ पे बोला शाम में साधु दृष्टि करके उपासना करना है आपको, यानी साधु शाम इति कोटेशन है कि जो सज एतदेव विद्वान साधु शाम उपास्ते, मिला आपको चार नंबर मंत्र में पहले लाइन यहाँ पे जो दिया ना साधु शाम इति उपास्ते, ये कोटेशन है चौथा मंत्र का, ये कोटेशन है, इसलिए इति उपसंहार, इस प्रकार से उपसंहार होने के कारण यहाँ पे अगला खंड की निंदा के लिए नहीं है, ये उपासना करने के लिए बोला जा रहा है। पहले तो आपने पहले खंड में तो साधु शब्द नहीं बोला, यहाँ पे आप साधु शब्द बोल रहे हैं, तो क्या वो पहला वाला निंदनीय है, बोलते ये बात नहीं है, समस्त शाम में साधु दृष्टि करके उपासना करना है ना, उपासना करना उत्कृष्टता के भाव से उपासना करना, साधु शाम इति उपास्ते, ये चौथा मंत्र की कोटेशन है ये, ठीक है, साधु अच्छा गुण वाला है, इस प्रकार समस्त संघ इति उपसंहार, साधु शब्द का क्या अर्थ है, शोभनवाची है ना, शुभ साधु मतलब शुभ उत्कृष्टता। अच्छा कथम अवगम्यते, आपको कैसे पता लगा है ना कि ये साधु शब्द शोभनवाची, कथम अवगम्यते इतिह जत खलु लोके साधु शोभनम अनवद्धम प्रसिद्धम तत्साम इति आचक्षते कुशला, क्योंकि ये प्रसिद्ध है लोक व्यवहार में, जो भी कुछ लोक व्यवहार में शोभन वस्तु होता है तब क्या लोग बोलते हैं शाम हुआ, लोग आप पहले बोलते थे मतलब तो समत्व दृष्टि से किया गया शाम दृष्टि को बोलते, इसलिए बोलते हैं जत खलु लोके साधु शोभन, मतलब साधु शब्द करते हैं शोभन मतलब अनवद्धम दोष रहित कुछ घर में घटना घटता प्रसिद्धम तत्साम इति आचक्षते, उसको शाम शब्द के द्वारा लोग कहते हैं कौन, कुशलः पंडिता विद्वान व्यक्ति, शाम मतलब समत्व हुआ समत्व दृष्टि से,
हमारे गुरु महाराज जी के एक शब्द है कि समन्वय, मतलब क्या है, समान रूप से अन्वय, समान रूप से कह गया कि ये विषमता, विषमता के द्वारा ब्रिटिश लोग क्या था, डिवाइड एंड अलग करता था। अब वो कितना पहले बोल कर गए, समान रूप से अन्याय करता, जब हम बांधेंगे भेद भेद करेंगे तो टुकड़ा टुकड़ा होता जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जहाँ कभी यही शाम है, जत खलु लोके साधु शोभनम अनवद्धम प्रसिद्धम तत् शाम इति अचक्षते कुशल, वो शाम है। इस प्रकार से बोलते हैं कौन पंडित, कुशल व्यक्ति, मतलब शास्त्र जानने वाले। जत असाधु, यदि कहें पे शोभन उत्कृष्ट घटना नहीं हुआ, शोभन नहीं हुआ, तब क्या बोलते हैं, विपरीतम तत् अशाम, ये ठीक ठीक निसमत्व स्वभाव से व्यवहार नहीं किया, अशाम हुआ इति अचक्षते कुशल, इस प्रकार से बोलते हैं। तब इसके ऊपर देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं। टीकाकार तो यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे, युक्ता भी नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए टीका, टीका में भी पैराग्राफ डिवीजन होना चाहिए था। इस प्रकार भाष्य में पैराग्राफ में डिवीजन कर दिया ना, टीका में भी ऐसे डिवीजन होना चाहिए था। नया पुस्तक में है क्या? नहीं क्या, यही तो जो जैसा था ना वैसा ही शब्द दिया था, थोड़ा बहुत थोड़ा पैराग्राफ कर देते तो स्पष्ट हो जाता। समस्तस्य उपासनम साधु इति वचनात् अवयव उपासनम निंदितत्वात् अनानुष्ठेयम् इति आशंक्य आह। एक शंका करने वाले बोलते हैं, जिसको नया नया उपनिषद पढ़ रहे ठीक से अर्थ समझ में नहीं, तो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, समस्तस्य उपासनम साधु, मतलब एक समस्त, मतलब अंगी का उपासना करना अच्छा है, अंग का उपासना करना उतना अच्छा नहीं है, अंगी का उपासना करना अच्छा है। जिस प्रकार किसी मालिक की, कोई नौकर है, नौकर मालिक का अंग है, आप मालिक से मिलना चाहते हो तो सीधा मालिक का ही साथ ही मिलने का कोशिश करो, अंग का उपासना खुद के लिए वो अच्छा नहीं है, है ना। मतलब किसी नौकर के साथ कुछ पैसा देकर के अंदर जाना, कुछ व्यवहार करना, वो अच्छा नहीं है, मालिक के साथ सीधा व्यवहार करो। इसमें क्या छुपा हुआ है, सारा संसार का मालिक ईश्वर है, देवी देवताओं के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचते हैं, धीरे धीरे देवताओं को छोड़ करके शुद्ध ईश्वर का चिंता करो, फिर उसके बाद आत्मेश्वर आत्मस्वरूप बुद्ध करके बैठा हो, ये छुपा हुआ रहता है सब चीज यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं समस्तस्य उपासनम साधु इति वचना, है ना, समस्त उपासना साधु है। ये जो यहाँ पे कथन किया गया, इससे अवयव उपासना निंदित क्या हो गया, अवयव उपासना निंदित हो गया, निंदितत्व निंदित होने के कारण अनुष्ठेयम, तो अवयव उपासना मतलब पहले अध्याय में आपने जो भी कुछ कह कर कहा उसको उपासना नहीं करना चाहिए, यही तो प्राप्त हो रहा है। तब बोलते हैं अनुष्ठेय इति आशंक, ऐसा कोई शंका करते हैं तो उसको उत्तर में भगवान भाष्य का क्या बोलते हैं, समस्तस्य सर्व अवयव विशिष्टस्य पांच भक्ति कस्य साप्तक भक्ति कस्य च इति अर्थ खलु इति वाक्य अलंकार अर्थम साम्य उपासना साधित प्रकार से उपासना करना उत्कृष्ट है। फिर यहाँ पे समस्ते सामने साधु दृष्टि विधि परत, क्यों आगे जा करके संपूर्ण साम भाग, मतलब अंगी में साधु दृष्टि का, अंग में नहीं अंगी में साधु, समस्ते सामने साधु दृष्टि विधि परत, ये वाक्य क्या है, संपूर्ण पांचभक्ति अथवा साप्तभक्ति सामने उत्कृष्टता की दृष्टि करके उपासना करने के लिए विधान किया गया है इस कारण से। अच्छा, यदि बोला नहीं नहीं उसका आपने विधान किया परंतु अर्थ से तो निंदा ही आ रहा है, आपने जब बोलना चाहता है यहाँ पे बैठे हो ना ये व्यक्ति अच्छा है, इसका मतलब क्या अन्य व्यक्ति अच्छा नहीं, यही कहना चाहते होंगे आप, लड़ाई करने वाले तो यही बोलेंगे है, या तुम आप मेरा निंदा करना चाहते हैं, तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं, अर्थात अस्ति निंदा इति संकते, नहीं अर्थ से, ठीक है, सीधा सीधा निंदा नहीं है, अर्थ से निंदा तो निकलेगा, एक कसूटी कर दिया मतलब। तो ननु पूर्वत्व अविद्यमान साधुत्वम समस्ते सामने अभिधीयते, जहाँ पे साधुत्व पहले तो आपने नहीं किया, अभी साधु शब्द प्रयोग, इसलिए पहले वाला निंदनीय अनुष्ठान नहीं है, ऐसा कहते हैं। पूर्वत्र टीका में पूर्वत्र साधुत्व विद्यमान से विशेषण अनुपादान न अर्थात अपनी निंदा इति परिहरति, भाई भगवान के नाम करोगे ये कभी भी निंदनीय हो ही नहीं सकते, वहां पे साधुत्व छुपा हुआ ही है, अन्य कर्म की तुलना में भगवान के नाम का अथोपासना करना उत्कृष्ट होता ही है, इसलिए अलग करके बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बोलते हैं पूर्वत्र अपि साधुत्वस्य, पहले में भी उपासना में साधुत्व धर्म बैठे हुआ, साधुत्वस्य विद्यमानस्य जो वहां पे विद्यमान है एवं विशेषण तेन अनुपादन, केवल वहां पे विशेषण के रूप में कहा नहीं, यहाँ उसको कह रहा है
सामान्य व्यक्ति भी देखिए, कोई भी व्यक्ति जो सामान्य काम करता है, अन्य काम करता है, वही व्यक्ति जब मंदिर जाता है उसको अपना भी अच्छा लगता है, लोग भी बोलते हैं देखो अच्छा काम करते हैं, अथवा किसी को मदद करते हैं, सब जो है ना उसमें छुपा नहीं कहने पर भी छुपा हुआ रहता है। इसलिए विशेषणत्व न अनुपादानत् न अर्थात, इसलिए ये अर्थ से भी मतलब उपासना करना आर्थिक अर्थ से भी निंदनीय नहीं हो सकता है ना। उपासना का अर्थ सर्वदा ही जो है उत्कृष्ट होता ही है। इति परिहार, जिसको मन में रखते हुए भगवान भाष्यकार परिहार करते हैं, न साधु साम इति उपास्ति, यहाँ पे जो है साम में साधु दृष्टि करके उपासना को विधान करने के लिए साधु शब्द प्रयोग किया, ना कि पहला अध्याय में व्यष्टि उपासना को निंदा करने के लिए। यहाँ पे समस्त साम की उपास, समस्त साम में साधु दृष्टि करके उपासना करने के विधान करने के लिए ऐसे शब्द प्रयोग किया, न साधु साम इति उपास्ति उपसंहारात्। फिर आगे और बोलते हैं कि जत खलु इत्यादि व्याख्यातुं पातनिकाम आह। मूल में देखिए पहले क्या आया हुआ है, समस्तस्य खलु साम्न उपासनम साधु, ये पहला सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है जत खलु साधु तत् साम इति आचक्षते, जत असाधु तत् असाम इति आचक्षते, ठीक है ना। अब सेकंड भाग को व्याख्यान करने के लिए यहाँ पे जत 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 मतलब क्योंकि है ना, तो उसी को लेकर के जत खलु इत्यादि व्याख्या तुम पातनिका, टीका को समझने के लिए आपको भाष्य और मूल को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ के शब्द लेकर के बोल रहे हैं टीकाकार, है ना। इसलिए जत खलु इत्यादि व्याख्या तुम पातनिका आहो, मतलब भूमिका बना रहे साधु शब्द शोभनवाची, है ना, साधु शब्द का अच्छा के वचन है। कथम अवगम्य थे, कैसे पता लगा, तो बोलते हैं वाक्यम अवतार्य व्याचस्त, उस वाक्य को लेकर के जत खलु साधु उसको व्याख्या करते हैं। कथम अवगम्यते, जत खलु लोक साधु शोभनम अनवत्तम, जो दोष रहित है उसको देख, लोग प्रसिद्ध है कि शाम हुआ, अच्छा हुआ, समत्व से व्यवहार हुआ, इस प्रकार से आचक्षते कहते हैं लोग कुशला। और जब असाधु तद विपरीतम तद असमय, ऐसा करके लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं वाक्यम कथम इत्यादि, इस प्रकार से पहला मंत्र का उपघात हो गया। अब क्या बोलते हैं आगे देखिए बोलने, अच्छा किम पुनर एवं विवेक, टीका में किम पुनर एवं विवेक करने कारण मिति आशंका आह। इस प्रकार विवेक करने में, इस प्रकार विवेक मतलब विचार पूर्वक अच्छा बुरा को समझना, बीच पृथक भावे, बीच धातु पृथक भावे, उससे विवेक शब्द बनता है, मतलब भावनाओं के द्वारा इस प्रकार से विचार उपासना करने से क्या लाभ है, क्या कारण है। किम पुनर एवं विवेक करने कारण मिति आशंका आशंका करके उत्तर में कहता है तत् मूल में आइए, तद उताप्याहु तद उताप्याहु सामना एनम उपागादिति, सामना एनम उपागादिति साधुना एनम उपागादिति, साधुना एनम उपागादिति एव तद आहु, एव तद आहु असामनायेन उपागादिति, असामनायेन उपागादिति असाधुनायेन उपागादित्येव तद आहु, असाधुनायेन उपागादित्येव तद आहु तद उताप्य आहु सामनायेन उपागादिति, साधुनायेन उपागादित्येव तद आहु असामनायेन उपागादिति, असाधुनायेन उपागादित्येव तद आहु। तत् मतलब यह होगा तत्र, इस विषय में, तद यहाँ पे तत्र अर्थ में है, इस विषय में उत उत ही वितर्क अर्थ में, कभी ऐसा कर, इस मतलब निश्चित ही ऐसा होता है, कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा, मतलब दोनों प्रकार साधु और साधु दोनों को समझाने के लिए होता है। अपि आहु इस प्रकार से कहा जाता है, या सामना एनम उपागात, कोई व्यक्ति किसी का अंदर गया, अंदर जाने आने के बाद गुस्सा होकर के बाहर आ रहा है, अथवा उसी को जिसके पास गया था उसने बोला नहीं जरा बाहर जाओ, उसको मार गया, जो अंदर बाहर बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या समझेगा, ये व्यक्ति कुछ अच्छा भाव से इसके पास नहीं आया था, तभी जाकर के इसने इसको ऐसा बाहर निकल रहा है, मतलब ऐसा मतलब ये कर रहा है, इससे क्या मतलब देखा कुछ और निर्णय लिया कुछ, मतलब इसलिए आप बोलते हैं उताप्य सामना एनम उपागात, मतलब अच्छा भाव से, समत्व के भाव से इनके पास ये व्यक्ति उपागात मतलब गया हुआ था,
उपागात इति लुम लकार उपागात अगात है ना, लुम लकार का रूप है अगात। वहां पे जो लुम में होते क्या होते हैं कि अंग आदेश होते हैं, गम ली था तो है लुदी तो लुका ली था इसके अंग आदेश होते हैं, इसलिए गौ में मकार का लोप हो जाता है और जुड़ जाता है। अगर सामना एनम उपागात इति वहां पे शाम भाव से इनके पास गया हुआ था, क्यों क्या देखे, यदि शाम कब देखते हैं कि जब बाहर निकल रहे खुश होकर के निकल रहे तब हम क्या बोलते हैं ये अच्छा भाव से इनके पास गया था, परंतु जब वो बाहर निकल रहा है और उसका अंदर यदि कुछ असाधु अथवा विपरीत भावना देखे तो हम क्या बोलते हैं ये ठीक भाव से अंदर नहीं गया था, अगर ठीक से व्यवहार नहीं किया। इस अभिप्राय से बोलते हैं सामना एनम उपागात, मतलब अच्छा शोभन भाव से ये एनम मतलब गुरु अथवा कोई अच्छे व्यक्ति राजा के पास उपागात गया हुआ था। इति साधुना एनम उपागात इति तद, मतलब उस इसको बाहर निकालने का ढंग को देख करके वो निर्णय करते हैं ये अच्छा भाव से एक अच्छा भावना को लेकर के ये जो बड़े के पास गया हुआ था। तदेव आहु, आहु का कर्ता हो जाएगा जाना अथवा लौकिक पुरुष हो जाएगा। असमना एनम उपागात, अशोभन भाव से ये इनके पास गया था। इति असाधु न एनम उपागात, मतलब वो जो जो देख रहा है अभी वो देख रहा है कि भाई वो विक्षिप्त होकर के उस, यानी कि ये इनके पास अच्छा भावना से नहीं गया था। असाधु न एनम उपागात, ठीक भाव से नहीं गया था। एवं इति तथा इस प्रकार से कहा जाता है, मतलब इस विषय में विवेक करके कहते हैं, क्या कहते हैं, राजा अथवा गुरु जी के पास कोई व्यक्ति गया उसको बाहर निकलते समय यदि देखते हैं कि विक्षिप्त होकर के निकलते हैं तो बोलते हैं कि अच्छे भाव से नहीं गया, और यदि देखते हैं कि अच्छा भाव से शुद्ध होकर के शांत होकर के निकल तो इनके पास अच्छा भावना से गया था तो अच्छा स्वरूप हुआ। इसलिए साधु और शाम ये दोनों साथ मिल करके चलते हैं, समत्व भाव में साधुता होता है और विषम भाव में असाधुता। देखिए शब्द प्रयोग क्या ये पर इससे अभिप्राय करते ही है, समत्व भाव में साधुता है और असमत्व के भाव में असाधु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बालरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ।